हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट मी इन्फॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर 2020 की वैकेंसीज के बारे में। इसकी एज लिमिट जो रिक्वायर है, इसमें आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, फिज़िकल एलिजिबिलिटीज़ हैं, बाकी इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन में दी गई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस की तरफ। सबसे पहले हम इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इसमें जो आपकी एप्लीकेशन है वो 28th of December 2019 से शुरू होगी, यानी कि 28th of December 2019 से आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 27th of January 2020 है। पूरा एक महीना इसमें आपको दिया गया है अप्लाई करने के लिए। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम फ़ी पे करने की लास्ट डेट भी 27th January 2020 है। एग्ज़ाम की डेट और आपको एडमिट कार्ड जब अवेलेबल होगा वो डेट भी अभी इसमें नहीं बताई गई है। आइए देखते हैं इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस कितनी देनी है। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए, OBC के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैंडिडेट्स के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो 100 रुपीज़ है। SC ST और फिज़िकली हैंडीकैप के लिए जो फ़ीस है वो 0, यानी कि कोई भी फ़ीस इन्हें पे नहीं करनी है। और हर कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल्स के लिए भी कोई फ़ीस इसमें नहीं रखी गई है। इसमें आपका जो पेमेंट मोड है, यानी कि आप किस तरीके से अपनी फॉर्म फ़ीस पे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। इसमें आप फ़ीस कैश से दे सकते हैं या ई चलान मोड से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भी आप इसकी फ़ीस पे कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल्स। इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 649 वैकेंसीज़ आपको दी गई हैं। हेड कांस्टेबल ऑपरेटर की पोस्ट है, जिसके लिए एज लिमिट जो है वो 18 to 27 ईयर्स है फॉर जनरल कैंडिडेट्स। जनरल कैंडिडेट्स की एज 18 से 27 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए एज़ ऑन 1st July 2019 को। इसके बाद 18 to 30 ईयर्स फॉर OBC। OBC कैंडिडेट्स के लिए 2 साल का रिलैक्सेशन है, 18 to 30 ईयर्स इनकी एज लिमिट है। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 4 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि इनकी एज लिमिट 18 to 32 ईयर्स रखी गई है। आइए देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटीज़ की तरफ। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है, जो रिक्वायर की गई है, वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आप 12th पास होने चाहिए विद साइंस और मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, यानी साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया होना चाहिए। और आपकी इंग्लिश वर्ड टाइपिंग स्पीड इसमें रिक्वायर की गई है 1000 key impressions in 15 minutes, यानी कि आप समझ सकते हैं लगभग 13 words per minute की स्पीड आपकी होनी चाहिए इंग्लिश वर्ड टाइपिंग स्पीड। अब हम देखते हैं इसका कैटेगरी वाइज, अगर हम वैकेंसी डिटेल्स की तरफ चलें तो जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 149 हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 74 हैं। EWS मेल्स के लिए 44 हैं और फीमेल्स के लिए 21। OBC मेल्स के लिए 103 हैं और फीमेल्स के लिए 50 वैकेंसीज़ हैं टोटल। SC मेल्स के लिए 84 हैं और फीमेल्स के लिए 42। ST मेल्स के लिए 55 और फीमेल्स के लिए 27। टोटल मेल्स के लिए जो इसमें वैकेंसीज़ हैं वो 400, फीमेल्स के लिए 214 टोटल वैकेंसीज़ हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें आपकी जो फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी रिक्वायर की गई है उसके बारे में। तो अगर हम हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर्स है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर्स है। चेस्ट मेल्स के लिए 81 to 85 सेंटीमीटर्स इसमें रिक्वायर की गई है। इसके अलावा इसमें रनिंग जो है वो 600 मीटर्स 7 मिनट्स में कवर करने हैं मेल कैंडिडेट्स को, और फीमेल्स के लिए रनिंग 800 मीटर्स इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में 800 मीटर रनिंग करनी है फीमेल कैंडिडेट्स को। अब अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की, तो मेल कैंडिडेट्स को 12 feet and 6 inches, यानी कि 12.5 feet की लॉन्ग जंप करनी है, और फीमेल कैंडिडेट्स को 9 feet की लॉन्ग जंप करनी है। हाई जंप में 3 feet and 6 inches फॉर मेल कैंडिडेट्स को
3.5 फीट की हाई जंप करनी है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाई जंप 3 फीट्स की रखी गई है, 3 फीट इन्हें हाई जंप करनी है। ये थी इसमें जो नोटिफिकेशन में जो इसके इंफॉर्मेशन दी गई थी वो। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एग्ज़ाम होता है आपका वो 3 स्टेजेस में किया जाता है। सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है वो होता है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश इस तरह के सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा सेकंड जो स्टेज होती है उसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होता है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसमें आपका रनिंग, हाई जंप और लॉन्ग जंप आता है। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इस टेस्ट में आपकी हाइट और चेस्ट वगैरह मेज़र की जाएगी। ये आपका सेकंड स्टेज होता है जो पूरी तरीके से फिजिकल होता है और ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसके कोई मार्क्स नहीं होते। इसके अलावा आपका जो थर्ड स्टेज है दैट इज़ ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आपका पूरा का पूरा ये कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होता है, जिसमें आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा। जैसे कि आपको बताया गया लगभग 13 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपको इंग्लिश टाइपिंग करनी होगी इसमें। और इसके अलावा इसमें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी चेक की जाती है, जैसे कि आपका कंप्यूटर ओपनिंग, क्लोजिंग, शटडाउन वगैरह, MS वर्ड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। बहुत ही ज़्यादा बेसिक टेस्ट ये कंप्यूटर का होता है। तो ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब अगर हम बात करें कि सिलेक्शन के बाद जो आपको जॉब करनी है उसमें आपको काम क्या करना होता है, तो आपकी जो ड्यूटी होगी वो दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में होगी। और इसमें आपका जो काम है वो वायरलेस कंट्रोलिंग का ही काम होगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि नाम से ही समझ में आ रहा है वायरलेस ऑपरेटर, तो वायरलेस कंट्रोलिंग का आपका काम होगा। और इसमें आपको आपकी ड्यूटी 8 आवर्स की होगी, यानी 8 घंटों तक आपको जो है काम करना होगा। और इसमें आपकी जो सैलरी होती है वो बेसिक सैलरी 25,000 है, लेकिन अगर हम इसके अलाउंसेस को ऐड करके देखें तो इसमें आपकी मिनिमम सैलरी जो है 32,000 होती है। तो ये थी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।